इसके बाद अगले इजाज के लिए मैं मोहतरमा रेहाना मैडम साहबा को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और हमारे इकबाल को कबूल फरमाएं। उसके लिए मैं इकबाल बार में अबरार अहमद और मोहतरमा फरीदा अब्दुल करीम इन्हें यहाँ पर आने की दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और मैडम का इस्तकबाल करें। मैडम के लिए मैं ये कलमात यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि नक्श पानी पे बना हो जैसे जिंदगी मौज बला हो जैसे, मुझसे बच बच के चली है दुनिया मेरे नज़दीक खुदा हो जैसे, राह मिलती है अंधेरों में मुझे कोई मसरूफ दुआ हो जैसे। इस्तकबाल करने वालों में अबरार अहमद, गांधी मार्केट में इनकी कपड़े की दुकान है, इकबाल अहमद वायरमैन इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इसी के साथ हमारे अजीज दोस्त अब्दुल करीम की शरीक हयात फरीदा बानो, ये खातून खाना है। मैडम की दिक्कत ये कि आवाज की तकलीफ है, फिर भी आपसे बोलना चाहूंगा। इस प्रोग्राम की सदर मेरे तमाम ही साथी साथियों जो थे, लेकिन सब मुझसे बड़े थे, मैं उस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर थी। जितने भी ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने नवर ने किया मुनक़द किया है, तमाम असातिज़ा की जो उन्होंने इस तरह दानी किया, हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, मैं तमाम ही लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। हमारी दानी की हर कोई अपने अपने पेशे में अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ है, हमारी तमाम यही दुआ है कि आप तो जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं, जिस भी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग लोग कामयाबी अदा करें, तुम्हारे हर हर जगह हमारी दुआएं के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। एक अच्छी बुनियाद तुम लोगों ने डाली है, इससे तहरीक बाकर और शायद कुछ आगे बढ़े आराम बनाने के। मैं तमाम लोगों की दुआ को हूँ, तमाम लोगों को हर जगह कामयाब रखती है, तमाम लोग हमारे लिए भी दुआ करते हैं। अगर प्रोग्राम अरेंज हुआ तो उसमें आते भी रहेंगे, तो आप लोगों ने आया, शुक्रिया। शुक्रिया मैडम।